हाय एवरीवन वेलकम यू ऑल अन लॉ वीटा माय नेम इज आराध्या गुप्ता तो आज हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे कि प्लीडिंग क्या होती है है ना और प्लीडिंग के क्या क्या कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्लीडिंग के तो ये एक सब्जेक्ट है हमारा ड्राफ्टिंग प्लीडिंग कन्वींसिंग उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक क्रूसियल uh, टॉपिक है हम उसको डिस्कस करेंगे देखो अगर एक आम भाषा में बात करें तो प्लीड का मतलब होता है ये जो शब्द प्लीड है ना इसका मतलब होता है टू स्टेट और टू आर्ग्यू अ केस ठीक है कोई भी केस में अपने फैक्ट्स को स्टेट करना ठीक है उसमें जो भी आपके आस्पेक्ट है उसको स्टेट करना और आर्ग्यू करना ये आम भाषा में मतलब है प्लीड का तो प्लीडिंग में क्या होता है बेसिकली जो भी पार्टीज होती हैं द पार्टीज इन डिस्प्यूट ठीक है तो dispute, जिनके बीच में डिस्प्यूट अराइज हुआ है जिनका केस है सूट है ठीक है तो वो लोग अपने कंटेंशन प्रपोज करते हैं कंटेंशन मतलब कि जो भी उनके फैक्ट इन इश्यू हैं जो भी उनके क्लेम्स हैं राइट वो सभी वो उसके अंदर रिड्यूज करते हैं इन टू द राइटिंग लिखित रूप से सबमिट करते हैं कोर्ट को दिस इज वॉट प्लीडिंग कंप्राइज ऑफ तो प्लीडिंग जो है एक लॉ सूट का बिगनिंग स्टेज होता है प्लीडिंग इज अ बिगिनिंग स्टेज ऑफ अ लॉ सूट ठीक है तो अब हम लोग जानते हैं और बेसिकली ये जो आपका प्लीडिंग का आंसर रहेगा ना ये सिविल प्रोसीडिंग्स के कंटेक्स में है इन दिस पर्टिकुलर वीडियो सो लेट्स रीड इट प्लीडिंग इज अ वेरी असेंशियल कॉन्सेप्ट ऑफ एनी लीगल जुरस्टूडेंट्स तो कोई भी लीगल uh, जुरस्टूडेंट का कॉन्सेप्ट है कोई भी लीगल स्टडी का कॉन्सेप्ट है उसमें ये प्लीडिंग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इट इज अ वे बाय विच पार्टीज टू द डिस्प्यूट टेल देयर केस टू द कोर्ट एंड टू द एडवर्स पार्टी ये एक वो माध्यम है ये वो जरिया है जिसके थ्रू जो पार्टीज होती हैं डिस्प्यूट की वो अब कोर्ट को अपने केस के बारे में बताती हैं इन रिटर्न फॉर्म और कोर्ट को ही नहीं साथ साथ जो एडवर्स पार्टी है जो ऑपोजिट पार्टी है उसको भी अपनी कंटेंशन प्रपोज करती है थ्रू द रिक्वायर्ड या रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स ठीक है अब हम लोग सिविल प्रोसीडिंग्स में बात करें तो प्लीडिंग के अंदर दो अहम डॉक्यूमेंट होते हैं एक होता है प्लेन्ट और एक होता है रिटर्न स्टेटमेंट राइट प्लेन्ट जो है वो प्लेंटिव के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है और रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो डिफेंडेंट के थ्रू ठीक है तो सीपीसी में यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में ऑर्डर सिक्स जो है वो प्लीडिंग को डिफाइन करता है ऑर्डर सिक्स क्या कहता है डर सिक्स का रूल वन डिफाइंस दैट प्लीडिंग एज प्लेट और रिटर्न स्टेटमेंट तो यहां पे कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है प्लीडिंग का मात्र इतना लिखा है कि प्लीडिंग जो है वो प्लेन्ट है और रिटर्न स्टेटमेंट है तो अब भाई जब प्लीडिंग में और रिटर्न स्टेटमेंट कम्प्राइज होते हैं तो इन दोनों टर्म्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना तो देखो प्लेट क्या होता है प्लेट इज अ डॉक्यूमेंट विच इज सबमिटेड बाय द सबेड बाई पार्टी अग्रीव पार्टी मतलब जो पीड़ित पार्टी है ठीक है वो प्लेनिव है जिसने जो सूट जो है वो दायर किया है राइट उसका डॉक्यूमेंट है उसके द्वारा सबमिट किया डॉक्यूमेंट है हु स्टेट्स द मटेरियल फैक्ट्स द रीजन फॉर फाइलिंग द सूट एंड वॉट रेमेडी यसन इज क्लेमिंग थ्रू द लीगल प्रोसीडिंग्स तो इस प्लेन के डॉक्यूमेंट में प्लेनि क्या क्या स्टेट करते हैं जो भी मटीरियल फैक्ट है मटीरियल मतलब की जो भी की फैक्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मतलब जो कि कोर्ट को जानना इंपॉर्टेंट है ही है फॉर डिटरमाइनिंग द रिलीफ राइट तो मटीरियल फैक्ट होते हैं रीजनस फॉर फाइलिंग द सूट कि ये सूट को फाइल करने का रीजन क्या है वो उसमें मेंशन होना चाहिए बाय द प्रिंटिव इसके अलावा व्हाट रेमेडी आर दिस सॉर्टिंग क्या रेमेडी वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ठीक है क्या रेमेडी उन्हें चाहिए क्या रिलीफ होने चाहिए आफ्टर दिस केस फ्रॉम दी यू नो डिफेंडेंट पार्टी एंड वॉट रिलीफ आर द क्लेमिंग थ्रू दिस लीगल प्रोसीडिंग्स और इस थ्रू आउट द लीगल प्रोसीडिंग से वो क्या क्लेम कर रहे हैं क्या रिलीफ या क्या रेमेडी वो क्लेम कर रहे हैं तो ये सभी चीजें क्लियरली और बाय यू नो फॉलोइंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्हें प्लेन्ट में पेंटिव को सबमिट करना होता है ठीक है तो समझ में आ गया हमको कि प्लेन्ट मोटा मोटा क्या होता है और ऑन द अदर हैंड रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है इट्स अ रिप्लाई टू द द्लेंट वेयर इन द डिफेंडेंट दैट इज द ऑपोजिट पार्टी अगेंस्ट हुम क्लेम्स आर बीइंग मेड बाय द तो ये दब्ल्यू एस uh, है ना रिटर्न स्टेटमेंट है ये बेसिकली कुछ नहीं है ये प्लेन्ट का रिप्लाई है जो कि डिफेंडेंट देता है डिपेंडेंट मतलब कि वो ऑपोजिट पार्टी जिसके अगेंस्ट प्लेटिव ने सारे क्लेम्स वगैरह लगाए हैं कि हमको इस व्यक्ति से ये प्रॉब्लम हुई है इसके खिलाफ उन्होंने वो फाइल फाइल सूट सूट फाइल किया है और हमें इससे ये रेमेडी है ये रिलीफ चाहिए राइट तो जो ऑपोजिट पार्टी है वो जो अपना रिप्लाई देती है वो अपनी जो जो अपनी प्रपोजिशन सबमिट करती है दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड रिटर्न स्टेटमेंट ठीक है आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा चलिए प्लीडिंग कंटेन द क्लेम्स बाय प्लेनिफ काउंटर क्लेम बाय डिफेंडेंट क्वेश्चन एंड आंसर इन एवरी थिंग दैट इज असेंशियल टू लीड द केस टू अर्टेन एंड तो हम लोग ने अभी जितना पढ़ा उससे हम क्या कंक्लूड कर पाए कि प्लीडिंग में क्या क्या कवर होता है प्लेटिव के द्वारा सबमिट किए गए क्लेम्स काउंटर क्लेम्स पर डिफेंडेंट वो सारे क्वेश्चन एंड आंसर जो कि रेलेवेंट है और विच आर इन द डिस्प्यूट ऑफ द केस और वो सभी चीजें एवरीथिंग दैट इज असेंशियल टू लीड द केस टू अ सर्टेन एंड कि एक फ्रूटफुल यू नो डिसीजन को डिराइव uh, करने के लिए जो भी और असेंशियल इंग्रेडिएंट्स चाहिए या जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब प्लीडिंग के अंदर कवर हो जाती है एंड दिस इज फर्स्ट स्टेज ऑफ एवरी सूट ये हर सूट का पहला स्टेज होता है leading right अब हम लोग हमारे इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं। पहला समझ लिया कि प्लीडिंग क्या होता है, उसके क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे कि के कुछ रूल्स होते, होते हैं तो वो कौन से हैं द फंडामेंटल रूल्स आर इन रूल टू ऑफ ऑर्डर सिक्स देखो ऑर्डर सिक्स में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में टोटल रूल अट्ठारह है ठीक है देर आर टोटल एटीन रूल्स तो उसमें जो रूल टू है वो इसका सबसे फंडामेंटल रूल बताता है क्या बताता है कि द तो बेसिक रूल ऑफ प्लीडिंग आर द फैक्ट्स शुड बी प्लीडेड एंड नॉट द लॉ कि जो भी आप अपनी अप प्रोपोजिशंस डाल रहे हो उस प्लेट के अंदर या डब्ल्यू एस के अंदर तो वो फैक्ट्स पे बेसिस होने चाहिए आप फैक्ट्स को प्लीड करोगे आप लॉ को प्लीड नहीं करोगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दैट यू हैव टू प्लीड इन योर डॉक्यूमेंट फैक्ट्स एंड नॉट दी लॉ दूसरा अब अगर फैक्ट्स कर रहे हैं सो दोज फैक्ट शुड बी मटीरियल आपको सिर्फ मटीरियल फैक्ट्स ही प्लीड करने हैं मटीरियल फैक्ट्स शुड बी प्लीडेड ओनली अपार्ट फ्रॉम दिस एविडेंस शुड नॉट बी इंक्लूडेड वाइल प्लीडिंग जब आप प्लीडिंग कर रहे हैं तो उसमें आप एविडेंस को इंक्लूड नहीं करेंगे एविडेंस जो है प्लीडिंग के पार्ट से एक्सक्लूड रहता है ठीक है ना एंड द फोर्थ थिंग इज द फैक्ट शुड बी प्रेजेंटेड इन अ प्रसाइज एंड नो इम्पॉर्टेंट फैक्ट इन द प्लीडिंग शुड बी मिस्ड यहाँ पे दो बातें बोली है पहला कि जो भी फैक्ट है ना वो बहुत ही ऐसा नहीं कि बहुत ही लंबी कहानी रामायण सुना रहे हैं ठीक है थीके? प्रिसाइज मैनर में टू द पॉइंट आपको चीजें मैंशन करनी है और कंटेंट करनी है प्लस कोई भी इम्पोर्टेंट फैक्ट प्लीडिंग्स में से मिस नहीं होना चाहिए ठीक है तो ये कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने ही करने हैं इन द प्रोसेस प्रोसीजर ऑफ द प्लीडिंग राइट इसके अलावा सिर्फ यही रूल्स नहीं है कुछ और भी रूल्स हैं उन्हें भी फॉलो करना इज इम्पोर्टेंट जो कि ऑर्डर सिक्स के बाकी रूल uh, नंबर्स में प्रोवाइडेड हैं बिसाइड्स फोर फंडामेंटल रूल्स देर आर सर्टेन अदर पर्टिकुलर रूल्स व्हिच नीड टू बी बाय बाइल्ड ड्राफ्टिंग अ प्लीडिंग राइट सो रूल थ्री टू ऑफ ऑर्डर सिक्स स्पेसिफिकली प्रोवाइड सेवरल गाइडलाइंस टू बी फॉलोड फॉर प्लीडिंग्स तो अभी जो ऑर्डर सिक्स का रूल थ्री से सिक्सटीन तक हैं ये स्पेसिफिकली कुछ गाइडलाइंस बताते हैं जो की इम्पोर्टेंट uh, है टू बी फॉलोअ फॉर द प्लीडिंग्स तो वो कौन कौन सी हैं देखो मैंने यहाँ अब मैंने आपको एक बेस uh, बता दिया कि रूल थ्री से सिक्सटीन तक प्लीडिंग के रूल्स प्रोवाइडेड हैं गाइडलाइंस प्रोवाइडेड हैं तो मैं इंडिविजुअली ये नहीं लिख रही हूँ कि ये वाला पार्ट इस रूल का है ये वाला पार्ट इस रूल का है ये आई वांट कि आप लोग अपनी सीपीसी के बैर एक्ट से गो थ्रू कर लें ठीक है अभी हम लोग कहते ना कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं रिगार्डिंग प्लीडिंग एज वेल एज इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम आंसर आई थिंक राइट तो देखो कौन सा है पहला क्या कह रहा है इन केस फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और फ्रॉड और विल फुल डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ ड्यू स्पेसिफिक पर्टिकुलर विद रिगार्ड टू डेट एंड टाइम्स शुड बी मैंशन इन द प्लीडिंग कि देखो भाई अगर आपका केस मिस रिप्रेजेंटेशन का केस है या आपका केस क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस है या फ्रॉड का, का केस है या फिर आपकी पेमेंट ड्यू है आपने उसका डिफॉल्ट कर दिया उसका केस है तो इस तरीके के केसेस में डेट्स uh, जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है कि किस दिन फ्रॉड किया था किस दिन uh, उसकी आगे की प्रोसीडिंग हुई थी या क्या तारीख थी जिस दिन पेमेंट ड्यू देना था और नहीं दिया वो सारे इम्पोर्टेंट डेट्स वो सारे इम्पोर्टेंट आइटम्स वो सब मैंशन होने चाहिए इन द प्लीडिंग ऑफ सच सॉर्ट ऑफ केस दूसरा Every pleading must be verified by the party whose pleading it is, and it must be accompanied by a sworn affidavit. to pehli cheez ye ki har pleading जो है वो verified होनी चाहिए कि जो party वो plead कर रहा है वो उसको verify करे. That's why वो जो प्लीडिंग का डॉक्यूमेंट है आई प्लेन्ट और रिटर्न स्टेटमेंट और सर्टेन अदर डॉक्यूमेंट उसके साथ जो है वो पार्टी अपनी एफिडेविट अटैच करेगा कि हाँ ये जो जितनी भी डिटेल्स मैंने प्रोवाइड की है प्रपोज की है दे हैव बीन वेरीफाइड बाय मी एंड आई एम अवेयर ऑफ द सेम राइट थर्ड नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कंडीशन प्रीसीडेंट शुड बी स्पेसिफिकली मैंशन इन द प्लीडिंग्स की अगर आ, कोई भी केस था और उसमें कोई प्रायर कंडीशन फॉलो करनी थी या परफॉर्म करनी थी बट नहीं की गई बाई आइदर ऑफ द पार्टी तो वो जो नॉन परफॉर्मेंस रहा है किसी पर्टिकुलर कंडीशन का Uh, तो वो भी स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए इन द प्लीडिंग नेक्स्ट द फैक्ट विच द विदर्स ऑफ प्रूफ फॉर विच फेवर्स अ पार्टी शेल नॉट बी प्रीडेड तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि ओनेस ऑफ प्रूफ यानी कि किसी भी पर्सन के किसी भी पार्टी की बर्डन ऑफ प्रूफ की बात कर रहा है कि हु हैड द बर्डन ऑफ प्रूविंग अ पर्टिकुलर फैक्ट और सर्कमस्टांस या फिर uh, कोई भी ऐसा फैक्ट जो किसी एक पार्टी को फेवर कर रहा है ना फेवरिज्म का कॉन्सेप्ट है तो इस तरीके के जो भी फैक्ट्स हैं वो हम एक्सप्रेस करेंगे वो प्लीडिंग में इंक्लूड uh, जो है वो नहीं होगा राइट अ पार्टी टू द सूट शाल प्रोवाइड विद हिज एज वेल एज ऑपोजिट पार्टीज एड्रेस तो जो भी पार्टी uh, अपनी कंटेंशन रख रही है अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रही है उसमें वो अपना एड्रेस भी क्लियरली और एग्जेक्टली मैंशन करेंगे एज वेल एज जो है वो ऑपोजिट पार्टी का भी एड्रेस उसमें प्रोवाइड करेंगे एवरी प्लीडिंग शुड बी साइंड बाय द पार्टी और वन ऑफ द पार्टीज और जो प्लीडिंग है एवरी ब्लीडिंग यहाँ कोई भी लीडिंग नहीं हर जितनी भी प्लीडिंग हो रही है थ्रू आउट दी सूट प्रोसीडिंग्स वो uh, हर पार्टी के द्वारा या जो भी पार्टी है उनको साइन करना इज असेंशियल राइट अमेंडमेंट ऑफ द प्लीडिंग शुड शाल बी अलाउड बाय द कोर्ट और अगर uh, प्लीडिंग के अंदर कोई भी अमेंडमेंट करना है तो उसका जो पावर है कि अमेंडमेंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा दैट शैल ओनली बी अलाउड बाय बाई कोर्ट ये आपका ऑर्डर सिक्स के रूल सेवनटीन मेंशन है एंड द एथ इज द प्लीडिंग शैल बी डिवाइडेड इन अ प्रॉपर पैराग्राफ्स वेर एवर रिक्वायर्ड कॉन्जिक्यूटिवली नंबर्ड इन स्ट्रक्चर प्रॉपरली एंड मोर ओवर इम्पोर्टेंट की जितने भी आपके पैराग्राफ्स uh, हैं वो यू you नो know, जो भी आपकी प्लीडिंग है वो प्रॉपर पैराग्राफ्स में मेंशन हो कोटेड हो जो भी रिक्वायर्ड है और जहां जहां भी नंबरिंग्स की नीड है बुलेट्स की नीड है वो सब एसेंशियली मैंशनड हो स्ट्रक्चर्ड हो फॉर्मेटिंग इज आल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड दिस ऑल आर द यू नो रूल्स व्हिच नीड टू बी अधेयर वाइल फ्रेमिंग और वाइल यू नो प्ररिंग और सबमिटिंग दी प्लीडिंग डॉक्यूमेंट तो ये आपके जनरल रूल्स हो गए अब लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारे इस लेसन का कि प्लीडिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं सो देर आर फाइव आई हैव कोटेड हियर फर्स्ट इज टू टेपर डाउन दी ब्रॉड ऑन हैच डिस्प्यूट अरोज टू अ नैरो एंड कॉमन इशू टेपर मतलब टू यू नो रेड्यूज बेसिकली जितने भी बड़े बड़े इशूज है डिस्प्यूट के उनको एक जिसे इस प्लीडिंग के माध्यम से हम नैरो कर सकते हैं हम लिमिट कर सकते हैं हम क्लासीफ कर सकते हैं कि क्या क्या कॉमन इश्यू है क्या कॉमन मुद्दा है जिसके रिगार्ड में फाइल किया गया सूट और प्रोसीडिंग्स जो है वो कैरी ऑन हो रही हैं ठीक है ना दूसरा क्या है टू रेंडर द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन एक्सपेंसिव लेस कम्बर्सिव मतलब क्वाइट लेस डिफिकल्ट एंड अप्रोचेबल एक इसका ऑब्जेक्टिव रहता है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो है वो यू नो कॉस्ट फ्रेंडली हो सके टाइम फ्रेंडली हो सके और अप्रोचेबल हो सके कि एवरी पर्सन कैन यू नो अप्रोच टू दिस और उसको बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट ना लगे चीजें और इजीली वो इसको अप्रोच कर सके और अपने क्लेम्स uh, को प्रेजेंट कर सके और अपने प्रॉब्लम्स में अपने केस में रेमेडी सॉट आउट करा सके थर्ड इज टू प्रोटेक्ट दी वेल्यूएबल टाइम ऑफ पीपल दैट इज वेस्टेड इन फ्रेमिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन एन आफ्टर एवरी हियरिंग तो कहीं ना कहीं जो पहले आर्ग्यूमेंट फ्रेम करो फिर हर हियरिंग जितनी हियरिंग होंगी उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स फ्रेम करो तो वो सब जो तो टाइम लगता था ना वो सब टाइम को डेमिनिश uh, कर दिया है और uh, मतलब लोगों के टाइम को कहीं ना कहीं रिड्यूस किया है और सिंप्लीफाई करने का ऑब्जेक्टिव रहता है दी कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिंग का फोर्थ इज टू एलिमिनेट द इेलिवेंट फैक्ट्स एंड मटीरियल दैट विल वेस्ट द टाइम ऑफ द कॉर्ट क्योंकि यहां प्लीडिंग में क्लियरली लिखा है दैट वन हैज टू सबमिट ओनली द मटीरियल फैक्ट्स तो कहीं ना कहीं जो कोर्ट का और बाकी पार्टीज uh, का जो टाइम वेस्ट होना होता ना इेलिवेंट फैक्ट्स में डिटरमाइन करना कि ये रेलिवेंट है या ये इरेलीवेंट है तो वो टाइम जो है वो बच गया और जो है इ फैक्ट के ऊपर समय ना जाया करते हुए जो मटेरियल फैक्ट्स और मटेरियल सर्कमस्टांसेस की जो बातें हैं उन्हीं के ऊपर जो है वो प्रोसीडिंग्स इजीली स्मूथली फॉलो अप हो सकती हैं एंड द लास्ट टू वेट द कोर्ट इन रीचिंग टू अ फ्रूटफुल कंक्लूजन और इसका लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव uh, यही है प्लीडिंग का कि कोर्ट जो है एक फ्रूटफुल कंक्लूजन एक सेटिस्फेक्ट्री uh, कंक्लूजन के ट्रू uh, जो है वो रीच कर सके इन प्रोवाइडिंग दी जजमेंट्स राइट right. तो गाई ये हो गया हमारा प्लीडिंग का कॉन्सेप्ट और देखो हमारे Uh, जो प्लेंट का कॉन्सेप्ट है वो सीपीसी के ऑर्डर सेवन में प्रोवाइडेड है और रिटिन स्टेटमेंट का ऑर्डर एट में ठीक है आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी और आप लोगों को यूजफुल भी लगी होगी आपके एग्जाम के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए फॉर एनी डाउट डू लेट मीन इन द कॉमेंट सेक्शन ऑल द बेस्ट एवरी वन हुवर इज हैविंग द एग्जाम्स टेक केयर ऑफ योर सेल्फ स्टे कनेक्टेड विद द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज डू शेयर डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब हैव अ गुड डे बाय बाय